तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है कि क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती पर क्रैश हो सकता है बिना बच्चों दिखे। कोई भी फालतू गिरी की है। मैं वीडियो स्टार्ट फिलहाल बयान पे बयान आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। तो रशिया के जो स्पेस चीफ है दिमित्री रोजगोन कुछ ऐसे बड़ा अजीब सा भाई सरनेम बड़े अजीब से होते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अमेरिका को स्लैम किया है। तो क्या खबर है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, जैसे आपने देखा कि आप किसी शहर में जाते हैं तो बस स्टेशन होता है, ट्रेन स्टेशन होता, जंक्शन होता है, एयरपोर्ट होता है, पोर्ट होता है सी के लिए, मतलब सी पोर्ट्स होते हैं जहां पे शिप्स जाते हैं। वैसे ही स्पेस में स्पेस स्टेशन बने हुए हैं, है ना। तो इन स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, एस्ट्रोनॉट्स यहां पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, इस माइक्रो ग्रेविटी एनवायरमेंट में जहां पे पूरी तरीके से तो वेटलेसनेस नहीं होती है। तो यहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जीरो ग्रेविटी में या स्पेस पे क्या कैलकुलेशंस आती हैं, क्या फर्क है, क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब स्पेस स्टेशन पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को वहां पे भेजा जाता है रोटेशनल बेसिस पे। ओके, तो बेसिकली ISS बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पिछले साल आपने चाइना की खबर सुनी होगी। देखिए ISS जो है वो 2024 में एक्सपायर होने वाला है। भाई 20 साल पुराना हो गया है। चाइना अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा है, 2030 तक वो पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये सब होता है। अब अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो रशिया के रोस्कोस्मोस, अमेरिका की नासा, कैनेडा की CSA, यूरोपियन यूनियन की ESA और जापान की जैक्सा, इसमें चाइना नहीं आता, भारत नहीं आता है। तो इनका इनिशिएटिव है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेस सेक्टर में, एयर स्पेस सेक्टर में ये बहुत जबरदस्त काम करते हैं। अब आपको पता ही है कि अमेरिका पे लग गए हैं, अमेरिका ने लगा दिया रशिया पे सैंक्शंस युद्ध के चलते, ठीक किया। लेकिन बस वही चीज है ना, सिर्फ सैंक्शंस ही लगाया तो कुछ किया नहीं। तो यहां पे रशिया भड़क गया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप एक नेक्सस समझिए, दुनिया की सरकार स्पेशली जो अथॉरिटेरियन रिजीम है जैसे बेलारूस में, रशिया में जो सरकार चला रहा है वो व्लादिमीर पुतिन नहीं है ना, वो है ओलिगार्क्स, 7-8 बड़े बिजनेसमैन जो सरकार को बहुत पैसा देते हैं और जिनके पास ताकत है, असली ताकत है। भारत में भी कई बार ये बोला जाता है ना कि भारत में एक्चुअली में सरकार चाहे किसी की भी है वो चला तो बिजनेसमैन ही रहे, क्योंकि भाई ये भर भर के पैसा जो है वो देते हैं पार्टी को, फंड करते हैं ये। अमेरिका में भी यही है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन बहुत अमीर है, इनको बहुत फंडिंग आती है। आपने देख सोचा है कभी कि अमेरिका ने अभी तक वहां पे भाई हर कोई बंदूक खरीद सकता है, बच्चे बच्चे के पास, क्योंकि वो जो राइफल एसोसिएशन है ना वो अमेरिकन पार्टीज को बैक करता है, इसीलिए किसी की औकात नहीं है कि यहां पे ये अमेंडमेंट कर दे, अपने संविधान से ये चीज हटा दे। तो सेम चीज रशिया के साथ है। अब यहां पे जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, भाई रशिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन यूके में रहते हैं, ठीक है, यूरोप में रहते हैं और बाहर से रशिया को व्लादिमीर पुतिन को पैसा भेजते रहते हैं, तो उन पे बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई यहां पे बैंक 5 रशियन बैंक्स पे सैंक्शंस लगा दिए। हालांकि इस पे देखिए रशिया को ऐसा सैंक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2014 में जब सैंक्शंस लगाए तो उन्होंने वैसे भी डॉलर्स में बहुत कम व्यापार कर दिया, जहां 80% डिपेंडेंसी थी डॉलर्स में वहां पे 50% रह गए। तो रशिया ने 2014 से ही अपना खेल खेलना शुरू कर दिया, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि सैंक्शंस के बावजूद हम इफेक्ट नहीं होंगे और यही हुआ, ठीक है। तो सैंक्शंस पे, लेकिन फिर भी ये जो बिजनेसमैन है इनको तो असर पड़ेगा। तो सैंक्शंस का एक ये भी मोटिव है कि ये बिजनेसमैन जो है, बड़े बड़े ओलिगार्क्स जो है, ये व्लादिमीर पुतिन पे प्रेशर डालेंगे कि युद्ध रोको, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन अब थोड़ा सा उनका जो रुख है वो नर्म पड़ गया है, वो बातचीत के लिए अब ऐसा लग रहा है कि शायद तैयार हो जाएंगे। तो यहां पे ये जो सैंक्शंस लगाए हैं ये एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी लगाए हैं, जो रशिया एयरोस्पेस पे अपनी टेक्नोलॉजी भेजता है। भाई कोल्ड वॉर में स्पेस रेस जो शुरू हुई उसमें सोवियत और अमेरिका ही तो थे। सोवियत ने तो सबसे पहला एयरक्राफ्ट भेज दिया था, मतलब यहां पे रॉकेट भेज दिया था स्पेस पे।
उसके बाद अमेरिका का जो मून प्रोग्राम था, अपोलो प्रोग्राम था, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत ही जो रशिया के रॉस कॉस्मोस है वो स्पेस टेक्नोलॉजी में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। तो सैंक्शंस लगाने का मतलब ये स्पेस टेक्नोलॉजी भी बंद, रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को वापस भेजा जाएगा। तो भाई कंट्रोल कौन करेगा, क्योंकि वहां पे जो ऑर्बिटिंग है ना वो कंट्रोल रशियंस कर रहे हैं, समझ रहे हो, पीछे की टेक्नोलॉजी रशियंस संभाल रहे हैं, ओके। और ये जो स्पेस स्टेशन है वो फुटबॉल जितना बड़ा है, फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये ऑर्बिट कर रहा है धरती को। तो इट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर अब यही इन्होंने बोला कि अगर आप हमको, हमारे पर सैंक्शंस लगा रहे हैं तो फिर हम तो इस पर कुछ मदद कर नहीं पाएंगे। तो ये जो डी ऑर्बिटिंग है ना, ठीक है, ये जो डी ऑर्बिटिंग होगी एंड इट विल फॉल इनटू यूरोप, ये पूरा का पूरा स्टेशन गिरेगा यूरोप पे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तब कौन बचाएगा, मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं, लेकिन मतलब दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारी शिवरात्रि सेल शुरू हो गई है। आपको शिव 25 ये कूपन कोड है, आपको यूज करना है, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है, ये नंबर्स जो आपको दिए हुए हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप करिए। देखिए अभी तक हमने प्राइजेस नहीं बढ़ाए, लेकिन अब हम प्राइजेस बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी तक हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। तो इसमें कंबाइंड एनसीईआरटी में आपको ये सारे शानदार कोर्सेज मिलेंगे, हिस्ट्री में हिंदी भी की पीडीएफ अपडेट हो चुकी है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स बहुत जल्द अपडेट होंगे, ठीक है, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी सब कंप्लीट हो गई है, ठीक है, एनसीईआरटी फुली कंप्लीट हो गई है, आप सेपरेटली भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी का कोर्स तो भाई जरूर लीजिए, क्योंकि हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है मार्च से। और याद रखिएगा, चाहे एक साल का कोर्स ले, चाहे दो साल का कोर्स ले, चाहे तीन साल का कोर्स ले, सब में आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो अभी इसी वक्त अवेल करिए, एक्स्ट्रा 25% ऑफ आपको मिल रहा है। तो यही चीज है। अब यहां पे बोला है कि भाई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अमेरिका, यूरोप या भारत और चाइना पे भी क्रैश कर सकता है, आप समझ रहे हो, बहुत तबाही मचाएगा। फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा स्पेस स्टेशन जब गिरेगा ना, तब बात लग जाएगी। तो इसीलिए तुम सोच रहे हो तुमको सैंक्शंस लगाने हैं कि क्या करना है। मैं अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं और एकदम से सैंक्शंस लग गए, कंपनी ने मुझसे बोला कि आज के बाद तुम काम नहीं करोगे, तो जो मैं काम कर रहा हूं वो ठप हो जाएगा ना। यही हो रहा है रशिया के साथ, रशिया के सैंक्शंस लगा दिए हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर मतलब एयरस्पेस सेक्टर में, एयरस्पेस टेक्नोलॉजी में रशिया का बहुत बड़ा योगदान है, तो रशिया उसमें मदद करेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन क्रैश होने की संभावना है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो भाइयों जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ऐसे ही दिलचस्प जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।